हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन का ये फर्स्ट पार्ट होगा। प्रोनाउन का लगभग चार पार्ट मिलेगा आप लोगों को। चार पार्ट में बिल्कुल पूरे प्रोनाउन को फिनिश किया जाएगा, जिसका आज फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देखना शुरू नहीं किए हैं तो आज से रेगुलर वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को फर्स्ट हम लोग दिए थे वर्ब। वर्ब को भी चार पार्ट में फिनिश किए, वैसे ही आर्टिकल को भी चार पार्ट में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिए थे। आज प्रोनाउन स्टार्ट किया है। प्रोनाउन का ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार पार्ट में बिल्कुल पूरे प्रोनाउन को समाप्त करेंगे। अगर ये चारों सेशन आप लोग देख लेते हैं तो दुनिया के किसी भी एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे यूपीएससी हो, बैंक, पीओ, क्लर्क या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या लिखना, पढ़ना, बोलना, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जरा हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रो के बारे में, फिर समझेंगे नाउन के बारे में। वैसे नाउन पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, इट इज कॉल्ड नाउन। क्लियर ना? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये प्रो क्या चीज है, तो प्रो को पहले समझते हैं। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। प्रो का मतलब क्या होता है? इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में। प्रो मतलब के बदले में। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, पहले आया था पैशन, उसके बाद आया पैशन प्रो, आया था ना जी पैशन प्रो, है ना, तो पैशन के बदले में पैशन प्रो आ गया, है ना, स्प्लेंडर के बदले में स्प्लेंडर प्रो आ गया, के बदले में। वैसे ही इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में, जो नाउन के बदले में आके बिल्कुल नाउन के जैसे काम कर दे, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे हम बात करें राधा का, अब राधा नाउन हुई, और राधा के बदले में सी का बात करें तो ये सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अगर बात करें राधा और सी का, तो दोनों का दोनों चीज सेम होता है, क्योंकि राधा भी थर्ड पर्सन, सी भी थर्ड पर्सन, राधा भी सिंगुलर, सी भी सिंगुलर। क्लियर ना? तो इसलिए ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, बस नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए, क्योंकि देखिए नाम है, नाम व्यक्ति रखने के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए क्या है, या मोहनदास करमचंद गांधी, ये सब नाम क्या है? अगर कहेगा मोहनदास करमचंद गांधी इज ऑनेस्ट मैन, मोहनदास करमचंद गांधी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर ये सब बात करें तो लग रहा है उसका गुण का बात हो ही नहीं रहा है, उसका नाम ही इतना बड़ा है। इसीलिए बड़े बड़े नाम को कम करने के लिए हम पूरे मोहनदास करमचंद गांधी के बदले में ही लिख दिए, हो गया प्रोनाउन। ओके जी, तो चलिए यही जो है ना, बड़ा बड़ा नाम को या नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना जरूरी पड़ गया। ओके, जैसे आप लोग के सामने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जरा बताइए तो राइट है या रॉन्ग है। बोल रहा है प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट उसी में है प्रिया हैज टू ब्रदर एंड टू सिस्टर। एंड नेक्स्ट प्रियाज फादर इज अ डॉक्टर। क्या समझ में आया? प्रिया एक सुंदर लड़की है, प्रिया के पास दो भाई और दो बहन है, और प्रिया के पापा क्या है? डॉक्टर हैं। ओके जी, चलिए अब यहाँ पे आप लोग बताइए जो गलती है भी या नहीं है, गलती दिख रहा हूँ ना, गलती है ना, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, प्रिया प्रिया प्रिया, ये बार बार प्रिया का आना सेंटेंस को यूजलेसनेस बना दिया, भद्दा बना दिया, बेकार बना दिया, है ना। तो ये जो है ना, नाउन के रिपीटेशन को से बचने के लिए हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे सी लिख देना तो बढ़िया हो जाएगा, अगर यहाँ पे हर लिख देना तो बढ़िया होगा। क्लियर ना? ये नहीं प्रिया 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 प्रिया, क्या है ना। तो देखिए यही चीज से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें प्रिया के बारे में और सी के बारे में, तो देखिए प्रिया भी अभी सब्जेक्ट का काम कर रही है और ये सी भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्रिया भी सब्जेक्ट का काम कर रही है, सी भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दूसरा अगर बात करें, प्रिया थर्ड पर्सन है तो सी भी तो थर्ड पर्सन ही होता है। क्लियर ना? और नेक्स्ट बात करें, जो प्रिया सिंगुलर है तो अपना सी भी क्या है? सिंगुलर ही है,
है ना। तो प्रिया और सी में कोई फर्क ही नहीं होता, क्लियर ना। और जब कोई फर्क ही नहीं होता तो इतना बड़ा 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 नाम रटने का जरूरत क्या है। ओनली लड़के के लिए सी लगाइए, लड़का के लिए ही लगाइए। अगर लड़की और लड़का दोनों हो, मतलब मोर देन वन हो, तो दे लगाइएगा। क्या अभी ना, ये दे केवल लड़का के लिए, एक से ज्यादा लड़का होगा फिर भी दे, एक से ज्यादा लड़की होगी फिर भी दे, एक दो लड़का एक दो लड़की होगी फिर भी दे, क्लियर ना। मिक्स में भी दे, सेम रहेगा दोनों का दोनों लड़की फिर भी दे मोर देन वन के लिए, और दोनों का दोनों लड़का रहे मोर देन वन के लिए भी दे का यूज करते हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा प्रोनाउन के डिफिनेशन के बारे में। बोल रहा है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। क्या क्या? प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। अरे देखो देखो, दोबारा नाउन तो नहीं आया, पकड़ लिए। लड़की सी तो सी लगा दिए, है ना, लड़का होता तो ही लगा देते, अगर दूगो होता तो दे लगा देते, क्लियर ना। समझ में क्या आया? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, है ना। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। एक नोट दे दीजिए, नोट में बोल रहा है आखिर नाउन के रिपीटेशन को चेक क्यों करता है। क्वेश्चन आ सकता है मन में, मन ही तो है, कुछ भी आ सकता है, जो आखिर नाउन के रिपीटेशन को चेक क्यों करता है। तो देखिए ना, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? गंदा, बद्दा, बदबूदार, एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स। प्रोनाउन वह शब्द है जो सेंटेंस को, भाषा को गंदा बना देता है, बेकार बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, है ना, और कुछ एरर्स पैदा कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप लोग के सामने है जो आखिर प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं, क्लियर ना। तो देखिए प्रोनाउन जो होता है अपना 10 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, जो आपका व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें, पर्सनल जो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आप लोग दिस दैट दिज एंड दोज, है ना। एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन समबडी नोवन नोबडी, ये सब पढ़ेंगे। एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार दिखाने के लिए, माय आवर योर हिज हर देयर, है ना। यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे पढ़ेंगे माइन, यहाँ पे पढ़ेंगे ये आवर्स, यहाँ पे पढ़ेंगे योर्स। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो टोटल प्रोनाउन कितने हो गए? 10 तरह के हो गए, क्लियर ना। एक एक करके सब पार्ट को पढ़ेंगे, क्लियर। और ये 10 समझ में आ गया तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता प्रोनाउन का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। हेडिंग बनाइए पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर ना। देखिए पर्सनल प्रोनाउन का बात करें तो पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। क्या क्या? पर्सनल प्रोनाउन का बात करें तो पर्सन, पर्सन बोले तो व्यक्ति, और उसमें क्या आएगा? आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या समझ में आया? आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें सिंपली आई का, हम देते हैं यहाँ पे इज, हम देते हैं यहाँ पे एम, हम देते हैं यहाँ पे आर, और आप लोग इतने समझदार हैं ही जो अगर हम बोले जो बताइए तो इस इज एम आर में से आई के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो सिंपली आप बोल दीजिएगा क्या? एम, है ना। केवल आई का बात करें तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एम लगा देंगे। अगर बात करें वी का, ओनली वन वी है तो आर लगा देंगे। अगर यू है ओनली वन तो भी आर लगाएंगे। अगर आपका ही है तो इज लगा देंगे। अगर आपका सी है तो इज लगा देंगे। अगर आपका इट है तो इज एम आर में से इज लगा देंगे। अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है तो इज एम आर में से आर लगा देंगे। इतना ये नॉर्मल सा बात है, सिंपल सा बात है जो, चलिए कोई भी ना पर्सन ना, अगर आई है तो एम ही लगाएंगे, वी है तो आर ही लगाएंगे, यू है तो आर ही लगाएंगे, ही सी इट है तो इज लगाएंगे, और दे है तो हम लोग आर लगाएंगे, क्लियर ना। क्योंकि जो
वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए हम लोग इज लगाते हैं, आई को रिप्रेजेंट करता है तो एम लगाते हैं, और मोर देन वन पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल को रिप्रेजेंट करता है तो आर लगाते हैं। ये तो सिंपल सा बात था, लेकिन इतना सिंपल सा जीवन कटता नहीं है। यहाँ देखिए आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, क्लियर ना, बोल रहा है I, you and he are going to cinema. I, you and he are going to cinema. मैं, आप और वह लड़का कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा जा रहे हैं। बोलिए सेंटेंस सही है या गलत है? देखिए ये सेंटेंस अगर सिंपली बात करें तो मोर देन वन पर्सन है, मोर देन वन व्यक्ति, एक से ज़्यादा व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और एक से ज़्यादा के लिए आर लगाना अच्छी बात है, सेंटेंस को सही कर सकते थे। बट एक कंडीशन याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, क्या क्या, एक से ज़्यादा व्यक्ति कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और वो व्यक्ति सिंपल सा काम करे, क्या क्या, वो व्यक्ति सीधा साधा हो, वो व्यक्ति भोला भाला हो, वो व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप का हो, क्लियर ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, धारा 231, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। अगर बात करें पर्सन के लिए तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो है ना आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू आपका सेकंड पर्सन में आता है, और बाकी ये सब थर्ड पर्सन में आता है, क्लियर ना। तो जब भी सीधा साधा हो, भोला भाला हो, सोशल वर्कर टाइप का वर्क हो तो हम लोग सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, यानी यू का यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट हो उसे अकॉर्डिंग ही सी इट या दे का यूज करेंगे, फिर आई या वी का यूज करेंगे, क्लियर ना। सेंटेंस का नेचर देखना है, सेंटेंस का सेंस देखना है कि क्या वो सेंटेंस सीधा साधा है, भोला भाला है, सोशल वर्कर टाइप का है, सिंगुलर है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सेंटेंस इस वे में फॉलो करेगा तो राइट है, अगर उल्टा घुमा तो हो जाएगा गड़बड़। ओके तो देखिए आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा, हम आप और वह लड़का सिनेमा देखने जा रहे हैं। अब सिनेमा देखने जाना कोई गलत बात है? गलत बात नहीं ना, सामान्य सा बात है सिनेमा देखने जाना, बहुत लोग सिनेमा देख के बहुत आगे बढ़ गए, अगर गलत होता तो कब का रोक लग गया होता, क्लियर ना। तो सिनेमा देखना अच्छी बात है, तो इसमें हम लोग को लगाना था सेंटेंस में सब्जेक्ट को, पहले सेकंड पर्सन को आना था, फिर थर्ड पर्सन आता, फिर फर्स्ट पर्सन आता, बट अगर हम यहाँ देखें तो पगला पहले फर्स्ट पर्सन आ गया, फिर सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया, जिस वजह से सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बोल रहा है आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा, ये पगला एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया, कह रहा है हम भी जाएंगे, तुम भी जाओ, वो लड़को जाएगा, तीनों जाएगा सिनेमा देखना, एक से ज़्यादा हो गया व्यक्ति, व्यक्ति कितना हुआ, एक से ज़्यादा, अब फगला लगा दिया इज, बोली बर्दाश्त करेंगे नहीं ना। अब आप सोच रहे हैं सर जी देखिए तो बगल में ही है तो ही के लिए इज आ गया, लेकिन केवल ही नहीं ना है, ये देखिए वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पड़ोसी के अकॉर्डिंग नहीं, पड़ोसी के अकॉर्डिंग तो आप परेशान होते हैं, नहीं जी पड़ोसी के अकॉर्डिंग नहीं परेशान हो जाता है, यहाँ तो देखना है सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, आखिर सब्जेक्ट कौन है, बात किसके बारे में हो रहा है, केवल आई के बारे में बात हो रहा है या केवल यू के बारे में बात हो रहा है या केवल ही के बारे में बात हो रहा है, नहीं ना, तीनों के बारे में बात हो रहा है, तीनों मतलब मोर देन वन पर्सन हो गया, मोर देन वन पर्सन मतलब प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए इज लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, काट दीजिए, तो सेकेंड भी अपना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है यू ही एंड आई, क्या है, यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा, बताइए इसको क्या कीजिएगा, आप लोग बताइए, तो यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा क्या करेंगे, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग करेंगे ना, रॉन्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ केवल आई के बारे में थोड़ी बात हो रहा है, यहाँ तो यू ही एंड आई तीनों के बारे में बात हो रहा है। अब एक बात बताइए, सिनेमा हॉल में बैठ गया तीनों, यू ही एंड आई,
और नौकरवा तो ये केवल सेपरेट ई नौकरवा जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ई पगला आई के सिवा किसी को जानता ही नहीं है। और सिनेमा हॉल में तीनों बैठल है आई छोटका जाके कहते सर कोल्ड ड्रिंक सर टी सर ये सर वो दिस डेट पूछ रहा है और बगल में मोटू मोटू सब बैठा है इसको कोई पूछ ही नहीं रहा कहेगा तोड़ो धो देव एकरो धो देव जिस कारण सेंटेंस हो गया गड़बड़ है ना। मोर देन वन है तो इसके लिए आर आता ओनली आई रहता तब एम आता इसलिए सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया क्लियर ना। नेक्स्ट बोला यू ही एंड आई यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा ये कैसा लग रहा है बताइए तो ये सही लग रहा है ना क्योंकि सेकेंड पर्सन आ गया फिर थर्ड पर्सन आ गया फिर फर्स्ट पर्सन आया एक से ज़्यादा व्यक्ति है प्लुरल वर्ब लग गया जैसा ढूंढ रहे थे वैसा मिल गया है ना तो क्या हो गया ये अपना सही हो गया। देखिए तो रॉन्ग 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 राइट क्लियर। इसका एक कंसेप्ट लिख लीजिए पहले अगर समझ में आ गया तो देखिए क्या बोल रहा है कंसेप्ट। इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन क्या इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज यूज्ड सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन क्या क्या जब अपना एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज किया जाए है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउन का यूज किया जाए और वो सारा का सारा डिफरेंट सबके सब अपने आप में सिंगुलर अपने आप में सिंगुलर अपने आप में सिंगुलर क्लियर ना। तो नॉर्मल सेंटेंस का बात होगा तो हम लोग करेंगे सेकेंड पर्सन यूज फिर थर्ड पर्सन यूज उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज क्राइम कन्फेस ऑफ गिल्ट फ्लॉ द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इज यूज। बात समझ में आया हम लोग क्या बात किए जो एक से ज़्यादा व्यक्ति हो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और अगर वो सारा का सारा मोर देन वन जो भी दो हो चार हो पांच हो तीन हो कोई भी हो और अगर वो सब का सब अपने आप में सिंगुलर है क्या अपने आप में सिंगुलर है वो सब मिलके सीधा साधा वाला काम कर रहा है वो सब मिलके सोशल वर्कर सा काम कर रहा है किसी को कोई परेशानी नहीं पहुंचा रहा है तो हम लोग पहले सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए और वो व्यक्ति क्राइम करे वो व्यक्ति अपराध करे वो व्यक्ति झूठ बोले इस कंडीशन में पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। अगर ऐसे चलेंगे तो ठीक है ऐसे चलेंगे तो ठीक है अगर ऐसे चले तो गड़बड़ अगर ऐसे चले तो गड़बड़ है क्लियर ना। जरा समझते हैं इसको और अच्छे से। एक बात बताइए आप जो हैं व्यक्ति हैं ये ट्रेन है क्या है ये ट्रेन है ट्रेन। अब ट्रेन में क्या है आप बैठने के लिए जा रहे हैं एक और व्यक्ति फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीन पर्सन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को जाना है सफ़र करना है जाना है कहीं दिल्ली है ना। अगर आपका नेचर आप फर्स्ट पर्सन आपका नेचर अगर सीधा साधा है भोला भाला है आप अगर सोशल वर्कर टाइप के हैं और अगर आप अकेले हैं बीवी बच्चा साथ में नहीं है तो आप भी गेट पे और ये भी गेट पे तो क्या कहिएगा पहले आप कि पहले हम बोलिए पहले आप कि पहले हम अपना पहले नेचर याद कीजिए। आप सोशल वर्कर टाइप के हैं आप सीधे साधे हैं आप भोले भाले हैं बीवी बच्चा नहीं है साथ अगर बीवी बच्चा है तो बीवियों के डरे लोग घुस जाता है हम पहले नहीं तो हमारे मैडम कम से कम है ना। लेकिन ये व्यक्ति का नेचर है सीधा साधा भोला भाला सोशल वर्कर टाइप का तो क्या कहेगा पहले आप या पहले हम
पहले आप ना नेचुरली निकल जाता, पहले आप, तो पहले चला गया आप, सेकंड पर्सन पहले डिब्बा में बैठ गया। अब देखिए एक व्यक्ति है जो पीछे रोते हुए आ रहा है, बाप रे ट्रेन छूट गई, टिकट कटे वाले थे एक महीना से, है ना, गाड़ी धीरे धीरे खुलने लगा। अगर आपका नेचर है सीधा साधा, भोला भाला, सोशल वर्कर टाइप का, अकेले हैं तो एक इग्नोर करके घुस जाइएगा कि एक हाथ पकड़ के डाल दीजिएगा, डाल देंगे ना। तो उसके बाद थर्ड पर्सन, तो यह बेचारा चला गया अंदर, अब बचाई तब जाएगा। देखिए तो पहले हम लोग सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर आप कभी ऐसा मौसम आ जाए जो आप चोरी करके भाग रहे हो, चोरी करके, अपराध करके, कोई के साथ गलत काम करके भाग रहे हैं, पीछे पुलिस पड़ा हुआ है, अब इस कंडीशन में गेट पर जाएगा, क्या कहिएगा? पहले आप भी, पहले हम, बोलिए, पहले हम ना। अब चोरी करके अब आ रहे हैं, भाग रहे हैं, हजारों लोग डंडे ले, पकड़ पकड़ पकड़, अब इस कंडीशन में पहले आपकी, पहले हम, पहले हम, तो पहले जाएगा फर्स्ट पर्सन, चला गया अंदर। अब कौन है जो गेट पर है? वो जाएगा सेकंड पर्सन। उसके बाद कौन जाएगा? थर्ड पर्सन। समझ में आया? तो अगर चोरी डकैती अपराध क्राइम का बात होगा तो एक दो तीन, और अगर सीधा साधा भोला भाला सोशल वर्क का टाइप होगा तो दो तीन एक, याद रहेगा। चले कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। तो बोले आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, हम, आप और वह लड़का तीनों मिल के काम को खत्म किए। बोलिए सही है कि गलत है? गलती है, है ना? गलती, गलती होने का वजह क्या है? देखिए काम खत्म करना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, और अच्छी बात में एक दो तीन लगाना गलत बात है ना, क्योंकि अभी पढ़े थे हम लोग सोशल वर्कर टाइप का हो, भोला भाला हो, सीधा साधा हो, तो हम लोग 231 दो तीन एक करते, ये सिस्टम में से नहीं आया, काट देंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बोला यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, क्या करें इसको? सही हो जाएगा, पहले सेकंड पर्सन आ गया, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, हम, आप और वह हैव डन दिस क्राइम, क्या करेंगे? राइट या रॉन्ग? रॉन्ग करेंगे, राइट करेंगे, सही करेंगे, है ना? क्योंकि क्राइम करके आए हैं, अपराध करके आए हैं, ककरो उड़ा के आए हैं, पुलिस पीछे पड़ा हुआ है, अभी दौड़ के घुस जाएगा और अंदर सीट के तौर में घुस जाएगा, नहीं, अब इस कंडीशन में पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, अब जाके सेंटेंस सही होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल रहा है? इन द केस ऑफ प्लुरल और मिक्सचर, कभी कभी क्या होता है ना, सारा का सारा सब्जेक्ट प्लुरल आ जाए, सारा का सारा सब्जेक्ट प्लुरल आ जाए, दो हो, तीन हो, चार हो, जो सब का सब प्लुरल आ जाए, कभी कभी कुछ प्लुरल कुछ सिंगुलर आ जाए, तो ये दोनों कंडीशन में भी हम लोग एक दो तीन, बस समझ में आया, सबका सब पुलल होगा तब भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज करेंगे, कुछ पुलल कुछ सिंगुलर होगा फिर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज करेंगे, क्राइम करके आएगा फिर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यूज करेंगे। क्लियर ना? बस एक कंडीशन में सेकेंड थर्ड फर्स्ट का यूज करेंगे, जब सीधा साधा हो, भोला भाला हो, सोशल वर्कर टाइप का हो और सबके सब सिंगुलर हो। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बोला वी यू एंड दे आर कमिंग, We, you and they are coming. क्या करेंगे इसको? राइट करेंगे, सही करेंगे। क्लियर ना? नेक्स्ट आप लोग का बोल रहा है We, you and he are going. सही करेंगे। क्यों सही करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा प्लुरल है, यहाँ पे कुछ प्लुरल है, कुछ प्लुरल है, कुछ सिंगुलर है, है ना? अब इसका सिंगुलर प्लुरल पता नहीं चला, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, जैसा पूरा पड़ोसी वैसा ये अपना काम करेगा। तो यू आपका हो गया मिक्स के में आ गया, यू आपका हो गया सिंगुलर या प्लुरल, और ये तो सिंगुलर है ही, जिस कारण हम लोग इसको मिक्स में रखेंगे, और मिक्स वाला भी पहले सेकेंड पर्सन लेता है, और मिक्स वाला भी पहले फर्स्ट पर्सन लेता है, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लेता है। ओके जी, चलिए अब हम लोग एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए देखिए यहाँ पे
चलिए चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग को है, सिंपल सा बात है, जो आप आई जो होता है ना, आई आई का अगर पोजेसिव प्रोनाउन का बात करें, पोजेसिव एडजेक्टिव का बात करें, है ना, आई पे अगर अधिकार दिखाने का बात करें, है ना, तो आई का पोजेसिव माई होता है। आई का पोजेसिव क्या होता है? माई होता है। क्लियर ना? आई का पोजेसिव, आई का पोजेसिव माई होता है। यू का पोजेसिव योर होता है। सी का पोजेसिव हर होता है। ही का पोजेसिव हिज होता है। दे का पोजेसिव देयर होता है। ये सिंपल सा बात है, पता है। जैसे चलो दे है तो इसका पोजेसिव देयर होगा, सी है तो हर होगा, ही है तो हिज होगा, यू है तो योर होगा। लेकिन अगर मोर देन वन हो जाए, जैसे यू ही एंड आई सब हो जाए और इस पे अधिकार दिखाने का बात हो, तो याद रखिएगा आवर होगा। क्यों? क्योंकि आई जो है, वी जो है, यहाँ पे वी लिखे ही नहीं, वी का पोजेसिव होता है आवर। वी का पोजेसिव आवर होता है। ये सिंगुलर होता है और ये अपना प्लुरल होता है। ओके ना जी? चलिए तो क्या है, ये बच्ची से इस दिन सुन दो कहे तो अन, अरे भाई क्लासों के टाइम हो गए, रहने दो। तो क्या है, यू ही एंड आई है तो इसका क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। नेक्स्ट यू ही है, यू और ही है, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है, योर हो जाएगा। क्यों होगा पता है? अगर आपको सब्जेक्ट पे अधिकार दिखाना, अगर सब्जेक्ट पे अधिकार दिखाना है और सब्जेक्ट मोर देन वन हो और उसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आवर लगाइएगा। फर्स्ट पर्सन ना दिखे, सेकेंड पर्सन दिख जाए तो देखिए योर लगाइएगा। अगर सेकेंड पर्सन भी ना दिखे, फर्स्ट पर्सन भी ना दिखे, ओनली थर्ड पर्सन दिखे और मोर देन वन है तो देयर लगाइएगा। क्योंकि ओनली ही के लिए तो हिज पता है, ओनली सी के लिए हर पता है, लेकिन मोर देन वन हो जाए थर्ड पर्सन वाला ओनली तो देयर। उसमें अगर बीच में आ जाए सेकेंड पर्सन वाला और फर्स्ट पर्सन ना हो, मोर देन वन के लिए योर। और अगर कितना भी हो और अगर फर्स्ट पर्सन दिख गया तो आवर। आया बस समझ में? दो से चार, दो तीन चार पाँच छः दस भी अगर सब्जेक्ट है, दस भी पर्सन है और अगर उस दसों में, उस पांचों में, उस सातों के बीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिख गया तो पॉजिटिव दिखाने के लिए आवर ही आएगा। फर्स्ट ना दिखे, सेकंड दिख गया तो उसमें सेकंड दिख गया, फर्स्ट ना दिखे वो भी बोल रहे हैं, ये ना सेकंड दिखे, केवल सेकंड दिखे और फर्स्ट ना दिखे तो योर लगाइएगा। और अगर दो तीन चार सब्जेक्ट बने और चारों का चारों पर्सन, तीनों का तीनों पर्सन आपका थर्ड पर्सन वाला हो तो देयर लगाइएगा। ओके जी? चलिए एग्जांपल देखिए, बोल रहा है यू ही एंड आई हैव डन माय वर्क। बोलिए सही है गलत है? गलत है, काट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन देखा, थर्ड पर्सन देखा, फर्स्ट पर्सन भी देखा। अब फर्स्ट पर्सन का वैल्यू होगा ना, क्या बोले, मोर देन वन हो और उसमें फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो आवर लगेगा। क्या लगेगा? आवर लगेगा। नेक्स्ट है यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। क्या करें सही? ये गलत? हाँ यस राइट होगा। क्यों? क्योंकि मोर देन वन पर्सन सब्जेक्ट बन गया और उसमें आई दिख गया तो आवर दिखना चाहिए, दिख गया आवर, सही है। नेक्स्ट बोल रहा है यू ही एंड आई हैव डन योर वर्क। देखिए यहाँ पे सेकंड दिखा, थर्ड दिखा, फर्स्ट दिखा और यहाँ दिखा योर। अरे पगला, अब ये तो बताए थे ना, जो यू दिखे और आई ना दिखे, सेकंड पर्सन दिखे और फर्स्ट पर्सन ना दिखे तब योर लगेगा। काटिए इसको, है ना? तो हम लोग को ये समझ में आ गया, जो मोर देन वन सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन दिखा तो आवर, मोर देन वन सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन ना दिखे सेकंड पर्सन दिख गया तो योर, अगर मोर देन वन पर्सन में सबके सब थर्ड पर्सन दिख गया तो देयर। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए। प्रोनाउन का फुल 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 कंसेप्ट आप लोग को मिलेगा, तीन पार्ट और आएगा। आज तो फर्स्ट पार्ट था,
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार पार्ट में पूरे प्रोनाउन को बिल्कुल बिल्कुल खत्म करेंगे। जिस सेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ नहीं सकता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।